लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब भी करें। और आज 89% प्रॉफिट बांट रही है, बाकी जितनी भी कंपनी है उनका भी हमने पैरेलल देखा है, किसी का 60% है, किसी का 45% है। एसोसिएट की ज्वाइनिंग के लिए हम बोलते हैं कि बिजनेस विद नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये गलत फहमी है। बिना इन्वेस्टमेंट के दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहां भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहां पर इन्वेस्टमेंट है आपकी लर्निंग की, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको पेड ट्रेनिंग भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे आपके, तो ये सारे खर्चे नहीं कहेंगे, ये सारी आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि आज आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं कहीं पर, बाद में वो टीम बड़ी होती है, तो आप नहीं भी ट्रेवलिंग करते तो भी वो टीम ऑटोमोड में आपको बिजनेस दे रही है। तो ट्रेवलिंग और ट्रेनिंग, ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। रिटेल प्रॉफिट अप टू 30%, हमारा जो रिटेल प्रॉफिट है, बाकी अदर कंपनी के अकॉर्डिंग रिटेल मार्जिन आईएमसी कंपनी नेटवर्किंग में ज्यादा दे रही है। मोस्टली 10%, 12%, 15% ही रहता है रिटेल मार्जिन, यहाँ 30% हमारा रिटेल प्रॉफिट है। इसलिए हमारे बहुत सारे रिटेल काउंटर, मैं नहीं मानता कि आईएमसी के प्रोडक्ट जिस स्पीड से रिटेल हो रहे हैं किसी कंपनी का हो रहा होगा, वो लोग तो सिर्फ ज्वाइन करा करके उसको मजबूरी में लेना पड़ता है। और हमारे आईएमसी में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो नेटवर्किंग नहीं करते और वो आईएमसी का माल बेच रहे हैं और उनका अपने आप बिक रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंप लगा के सेल कर रहे हैं, कैनोपी लगा के सेल कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे हमारा केमिस्ट्री माल बिक रहा है। अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव 10 से 35%। तो अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, अगर कोई कस्टमर भी है या एक यूजर भी है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ले रहा है तो भी वो सुपरस्टार बन सकता है। अगर आपने किसी एक की ज्वाइनिंग करा दी और आप खुद काम नहीं कर रहे और वो काम करने लग गया, तो भी आप कहां तक पहुंच सकते हैं, सुपरस्टार तक। बिना काम किए, बिना टीम बनाए, सेल्फ अपने लेवल पर आप परचेज या सेल करके आप क्या बन सकते हैं, सुपरस्टार बन गए। स्पेशल इंसेंटिव 17%, क्योंकि हमारे लेवल है 52% तक। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्पेशल इंसेंटिव क्या है, सिल्वर से लेकर के सीपी तक के जो लेवल है वो 52% है, तो बाकी 17% हो गया, टोटल 9% हो गया। लीडरशिप बोनस अप टू 15, पहले ये 13 था, 2% कंपनी ने लीडरशिप बोनस बढ़ा दिया है। पहले 5 जनरेशन में था, अभी 9 जनरेशन में कर दिया है कंपनी ने, सिस्टम बना दिया, हर लेवल के पीछे एक जनरेशन आपकी बढ़ती जाएगी, हर लेवल के पीछे, हर लेग के पीछे। सुपरस्टार को फंड मिल रहा है 2%, जितने भी हमारे क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, 30,000 बीवी करते हैं, उसको 2% सुपरस्टार फंड मिलता है। ट्रैवलिंग फंड 2%, मोटर बाइक फंड 2%, कार फंड 2%, हाउस फंड 2%, चेयरमैन स्टार फंड 2%, एम्बेस्ट स्टार फंड 1%, क्राउन एम्बेस्ट स्टार फंड 1%, प्रेजिडेंट स्टार फंड 0.5%, क्राउन प्रेजिडेंट स्टार फंड 0.5%, सीनियर क्राउन प्रेजिडेंट फंड 0.5%, ये नया ऐड हुआ है, और डायरेक्टर क्राउन प्रेजिडेंट फंड 0.25%, और फाउंडर क्राउन प्रेजिडेंट फंड 0.25%, और मीटिंग फंड टोटल 4 लेवल पे तो आधा आधा बटेगा, तो कंपनी बांट रही है 2%, और आरएबी जो है रॉयल एनुअल बोनस 4%, तो टोटल 89% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हमारा लगभग एक बीवी को 2.5 से 3 रुपए का पड़ता है, 30% के आसपास हमारे बिजनेस वॉल्यूम है। जो आप पर्सनल परचेज करते हैं उसको हम पीबीवी बोलते हैं, जो आपकी टीम का बीवी उसको हम जीबीवी बोलते हैं, और आप पर्सनल और ग्रुप मिला के जो बीवी होता है वो पीजीबी बोलते हैं। इसमें क्वालिफाइड सुपरस्टार के बीवी काउंट नहीं होते, पीजीबी। ये हमारा प्लान एडिटिव है। 1,000 एक बीवी पर आपका लेवल 10% है, 7,500 एक बीवी पर आपका लेवल 20% है, 25,000 एक बीवी पर आपका लेवल 25% है, 75,000 एक बीवी पर आपका लेवल 30% है, और 1.5 लाख एक बीवी पर आपका लेवल सुपरस्टार है 35% है। इसके बाद कंपनी ने 2 लेवल को फास्ट ट्रैक दिया है, फास्ट 25%। जब आप एक महीने में 7,500 एक बीवी कर लेते हैं पर्सनल, पीबीवी कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट लेवल जो है वो फास्ट 25 हो जाता है। अगर फास्ट नहीं करेंगे तो आपको 25,000 एक बीवी करना पड़ेगा, तो कितना फायदा है कि हमें 30% ही बीवी करनी पड़ रही है। और इसमें ये जरूरी है कि आपको एक ही बिल में 7,500 एक बीवी कटाने पड़ेंगे, आप एक महीने में कर सकते हैं, छोटे छोटे बिल करके भी पर्सनल 7,500 एक होना चाहिए, वो आप पार्ट में भी कर सकते हैं। फास्ट सुपरस्टार, तो फास्ट सुपरस्टार क्या है, 1.5 लाख बीवी पर आप सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन आप एक महीने में 75,000 एक एफएसएस बीवी करते हैं,
तो आप फास्ट सुपरस्टार बनते हैं। अगर एक महीने में 75,000 रेट नहीं हुए तो आप 2 महीने में 1,00,000 एफएसएस बेबी कर सकते हैं। एफएसएस बेबी का मतलब है फास्ट सुपरस्टार बेबी। और एफएसएस बेबी कौन से होते हैं? वो सारे बेबी एक आईडी पर एक बेबी से लेकर के 701 बेबी तक के जो बेबी है वो एफएसएस बेबी में जुड़ जाते हैं। मान लो आपके नीचे किसी ने 9,000 बेबी किया तो 9,000 बेबी को ग्रुप बेबी तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें से एफएसएस बेबी कितना काउंट होगा? सिर्फ 7,500 काउंट होगा। तो कई लोग इस गलत फहमी में है कि मेरे पूरे ग्रुप से अगर 75,000 एक टोटल बीबी आ गया तो मैं सुपरस्टार बन गया। नहीं, आपकी आईडी के अंदर ही वो एक कॉलम बना हुआ है जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपके एफएसएस बीबी कितना हुआ है। क्योंकि अगर जिस आईडी में 7501 से ऊपर है तो 75,000 में सॉफ्टवेयर तो दिखाएगा कि टोटल आपका 75,000 हो गया, लेकिन हो सकता है आपके एफएसएस बीबी 65,000 हो, 70,000 हो, वो कम पड़ गए तो आपको पूरा करने पड़ेगी। तो कई लोग पूछते हैं सर मैं कैसे चेक करूं? तो जिसका लेवल सुपरस्टार नहीं बना है, जिसको बनना है वो उसी के आईडी में शो करेगा, अप्लाई नहीं देख सकता उसका, या दूसरा आईडी पासवर्ड लेके आप चेक कर सकते हैं कि उसका एफएसएस बीबी कितना हुआ, और आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपका 64,000 हुआ है, आपको 11,000 एक बीबी और डालना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि 7501 बीबी ही आपका एफएसएस बीबी है, वो 1,500 जितने भी छोटे बीबी है वो सारे आपके एफएसएस बीबी बनते हैं। सुपरस्टार बनने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं करवाते, क्योंकि सारे बोनस और सारी रॉयल्टी जो है फंड वो क्वालिफाइड पे मिलते हैं, और क्वालिफाइड सुपरस्टार वो होता है जिसका बिजनेस 30,000 बीबी का आता है। तो पहले क्या था कि अप्लाई को तो फायदा था कि सुपरस्टार 30,000 बीबी करे, लेकिन खुद सुपरस्टार को क्या फायदा? वो कहता मैं 29 कर दूंगा या 30 कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो कंपनी ने उसके लिए एक ऑफर दी, ऑफर क्या कहेंगे कि एक फंड बता दिया सुपरस्टार फंड, जिस भी सुपरस्टार का बीबी 30,000 होगा उसको कंपनी टर्नओवर का 2% सुपरस्टार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ये उसको फायदा हो गया। तो उसमें क्या है कि पहले जो 24-25 करके छोड़ देते थे वो पूरा 30 कर लेते हैं, तो उसको फंड ले गया और अपलाइन की वो लैग मेंटेन हो गई। ये सिर्फ सुपरस्टार को ही मिलता है, सिल्वर को सुपरस्टार फंड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई बड़े लेवल पे है, चाहे वो चेयरमैन भी है, किसी तरह से चेयरमैन सुपरस्टार फंड ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। कैसे ले सकता है? उसको सिल्वर मेंटेन नहीं करना, लेकिन सुपरस्टार फंड चाहिए कि चेयरमैन फंड चाहिए? चेयरमैन। एक इनकम जो हमारे को स्टार्टिंग में आती है, जब तक आप सिल्वर नहीं बनते तब तक आपको जो इनकम आती है वो सिर्फ एक आती है परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंस इंसेंटिव। आप मान लो सुपरस्टार आपके नीचे कोई 10 पे है, कोई 20 पे है, कोई 25 पे है, कोई 30 पे है, तो उसको उतना चला जाएगा और आपको उसका डिफरेंस इंसेंटिव मिल जाएगा। सिल्वर स्टार में कोई बदलाव नहीं है। सिल्वर स्टार बनने के लिए आपको एक क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना है और 30,000 पीजीबी भी करने हैं। पीजीबी वो बीबी होते हैं जो सुपरस्टार 2-30,000 बीबी कर रहा है उसको छोड़ के, या आप उसमें से सेल्फ भी कर सकते हैं या आप अदर टीम से कर सकते हैं। तो अब पहले और में क्या परिवर्तन आया? अब ये परिवर्तन आया कि आप सिल्वर स्टार फर्स्ट मंथ नहीं बनेंगे, आपको प्रॉफिट 38% फर्स्ट मंथ मिल जाएगा, आपको लीडरशिप बोनस भी फर्स्ट मंथ मिल जाएगा, आपको 38% भी शो करेगा, लेकिन आप सिल्वर तब बनेंगे जब आप इसको 3 महीने मेंटेन करेंगे। वैसे भी पहले भी ऐसी था, आपको जो सिल्वर का ट्रैवलिंग फंड मिलता था वो चौथे महीने मिलता था, अब भी है, लेकिन पहले रन में फर्क है कि पहले महीने उसको सिल्वर का टाइटल दे देते थे। तो सिस्टम क्या कहता है कि जो 3 महीना मेंटेन कर लेगा उसी को वो पिन और उसका सेलिब्रेशन या उसकी वो जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट उसको तभी मिलना चाहिए। सिल्वर पे आपको मिलता है 5% लीडरशिप बोनस फर्स्ट एक्टिव जनरेशन का। एक्टिव जनरेशन उसको बोलते हैं जो आपके नीचे कोई किसी भी लेवल का बंदा लीडरशिप बोनस ले रहा है, तो आपको वहां पर 5% फर्स्ट एक्टिव जनरेशन का लीडरशिप बोनस मिलता है, और आपको 2% फंड मिलते हैं वो है ट्रैवलिंग फंड, जो आप 3 महीने मेंटेन करेंगे सिल्वर लेवल को तब आपको चौथे महीने से ये फंड मिलना स्टार्ट होता है, और ये तब तक मिलता है जब आप सिल्वर लेवल को मेंटेन करते हैं। यानी कि 3 महीना मेंटेन किया तो चौथे महीने से अपने आप आ जाएगा, जब तक मेंटेन करेंगे तब तक आएगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। लीडरशिप बोनस आपको फर्स्ट मंथ आता है, उसके लिए आपको 3 महीना मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लीडरशिप बोनस तो जिस महीने मेंटेन हुआ फर्स्ट मंथ भी आ जाएगा। उसके बाद है हमारा गोल्ड स्टार लेवल, जब आपके नीचे एक ही महीने में 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार होते हैं और साइड में आपके 25,000 पीजीबी भी होते हैं तो आप गोल्ड बनते हैं। गोल्ड बनने के लिए अगर आप पीजीबी नहीं करते तो आपका लेवल 41 हो जाएगा, लेकिन आपको लीडरशिप बोनस नहीं आएगा जैसे पहले प्लान में था। इसमें भी आपको गोल्ड की जो पिन है या जो सर्टिफिकेट है ये सब मिलेंगे 3 महीने मेंटेनेंस के बाद। आपको डिफरेंस 41 के हिसाब से आएगा, आपको प्रॉफिट जो है लीडरशिप बोनस 41 के हिसाब से ही मिलेंगे।
तो आपके लेवल पे आएगा 41, लेकिन आप होंगे कौन से लेवल पे? सिल्वर पे पहले दो महीने तक, तो तीसरे महीने की क्लोजिंग पे भी आपका गोल्ड मेंटेन हो गया तो आपका जो वो टाइटल चेंज हो जाएगा वो आप कहलाएंगे गोल्ड स्टार। यहाँ पर आपका लीडरशिप बोनस 8% होता है, 5% फर्स्ट एक्टिव जनरेशन का और 3% सेकेंड एक्टिव जनरेशन का। मतलब कि आपके नीचे कोई सिल्वर है और उसके नीचे भी कोई सिल्वर है, पहले वाला मेंटेन ही नहीं करा, दूसरे वाला मेंटेन कर रहा है, तो वो दोनों ही आपकी फर्स्ट एक्टिव जनरेशन में आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे कोई गोल्ड है, चौथे पे कोई रूबी है, वो दोनों मेंटेन नहीं कर रहे, पांचवें नंबर वाला कोई गोल्ड मेंटेन कर रहा है, ये सारे के सारे आपकी दो ही जनरेशन में आ जाएंगे टोटल मिलकर। तो एक्टिव है मतलब नहीं एक के नीचे एक दो बंदे, दो ही जनरेशन में आपके डिसलॉक भी हो सकते हैं एक के नीचे। फंड 4% है जिसमें 2% ट्रैवलिंग फंड, 2% बाइक फंड, और ये 3 मंथ मेंटेनेंस के बाद आपको मिलते हैं, तो ये गोल्ड स्टार है। उसके बाद जो कुछ बदलाव है वो है रूबी स्टार से। जब आप एक महीने में 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाते हैं तो आप बनते हैं रूबी स्टार। इसमें आपको 30,000 या 25,000 साइड का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आप 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार बना लेंगे तो आप रूबी स्टार बनेंगे। और रूबी पर आपको जो लीडरशिप बोनस मिलेगा वो 10% मिलेगा, 5% फर्स्ट एक्टिव जनरेशन का, 3% सेकेंड का और 2% थर्ड एक्टिव जनरेशन का। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सस्पेंस और बताऊंगा जो शायद लोगों को अभी नहीं भी पता होगा। पहली बात तो लीडरशिप बोनस हमें किसका मिलता है? साइड बीवी का। तो साइड बीवी तो हमने खत्म कर दी है, तो इस केस में क्या होगा? मान लो आपके नीचे कोई रूबी निकला है या आप रूबी बने हैं, तो आपको 2 लैक का लीडरशिप बोनस आएगा और 3 लैक का आपको डिफरेंस आएगा, लीडरशिप बोनस नहीं आएगा उसका, वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि वो आपका साइड बीवी में काउंट कर लेगी कंपनी ऑटोमोड में। और वो 3 लैक कौन सी होगी जिसका बीवी मिनिमम होगा? मान लो 1 लाख में आपका बीवी 1 लाख है, 1 में 70,000 है और 1 में 30,000 है, तो जो वो 30,000 वाली लैक है उसका लीडरशिप बोनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 लैक आपको मिल जाएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन मास्टर है उसके लिए एक और प्लान है, वो चाहे तो 3 लाख का लीडरशिप बोनस ले सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी ने 25,000 पीजीबी भी फिक्स कर रखे हैं कि आप चाहो तो कर सकते हो सभी लेवल के लिए, बोर्ड से सीपी तक। अगर आप चाहते हैं आपको हर लेवल का ही लीडरशिप बोनस खुद को आए, तो आप क्या करो ऊपर जो लीडरशिप बोनस जाएगा उसके लिए आपको 25,000 पीजीबी भी आप चाहे तो कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा ऑटोमोड में हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, देखो खुद से करने का डालने का तो हमें नुकसान है क्योंकि 25,000 के लिए आपको 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उससे बेटर है आपकी तीसरी लग का लीडरशिप बोनस का कितना नुकसान होगा, 1,500 रुपए का, 30,000 का 5% ऊपर चला भी गया तो 1,500 गया ना। तो लेकिन मेरा अगर साइड में हो ही रहा 25,000 तो उस समय मुझे तीनों का लीडरशिप बोनस आ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन है। लेकिन कहना तो यही पड़ेगा ना कि यहाँ पर साइड बीवी नहीं है, वो ऑप्शनल है, आपका अपने आप आ रहा तो अच्छी बात है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं आ रहा तो आपको 2 का लीडरशिप बोनस आपको मिलेगा और 1 का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये हर लेवल प्राइस ही रहेगा। व्हीकल लैक का फंड इसमें 6.5% है, और 6.5 कैसे हुए, 2% ट्रेवलिंग फंड, 2% बाइक फंड, 2% कार फंड, 0.5% मीटिंग फंड। तो इसमें जो कार फंड और मीटिंग फंड है इसका भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी आफ्टर 3 मंथ मेंटेनेंस। और इसमें खासियत ये है कि मेंटेन करने के लिए भी आपको साइड बीवी की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 3 लाख में 30,000 बीवी चल रहे हैं तो आपका रूबी मेंटेन हो जाएगा। और मीटिंग फंड जो है वो आपको 4 महीने 4% आएगा। और इसकी खासियत क्या है, मीटिंग फंड जो है वो ऊपर नहीं डिवाइड होगा, ट्रैवलिंग फंड सिल्वर से सीपी तक मिलता है। मान लो कंपनी ने निर्धारित कर ली कोई भी वैल्यू मिलता 2% है, अब 2% मान लो हम मान के 10 में 20 करोड़ बीवी है और उसका 2% कितना हो गया 20 करोड़ का 2% 40 लाख। तो 40 लाख रुपए किस किस को मिलेगा, सिल्वर को भी, गोल्ड को भी, रूबी को भी, डायमंड को भी, चेयरमैन को भी, सिटी तक मिलेगा। लेकिन 0.5% अगर हम 20 करोड़ का निकाले तो कितना बनता है, 20 करोड़ का 10 लाख, लेकिन सिर्फ रूबी में बटेगा तो ज्यादा कौन सा होगा, हाफ परसेंट ज्यादा होगा ना ट्रैवलिंग फंड से भी। ट्रैवलिंग फंड है 2% दिखने में, लेकिन बट कितने ज्यादा लोगों में रहा है, सारे लेवल में 9 लेवल में बढ़ रहा है और ये सिर्फ एक ही लेवल पे बढ़ेगा, तो ये अमाउंट अच्छी है। जैसे भी प्लान किसी ने सुना तो बोला सर सिल्वर गोल्ड को क्या फायदा होगा, सिल्वर तो वैसा ही है, गोल्ड भी वैसा ही है। पहली बात तो ये बताओ सिल्वर गोल्ड को प्रॉब्लम क्या रही है, अगला लेवल लेने के लिए आ रही है सर गोल्ड आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, यही प्रॉब्लम है ना, तो उसकी प्रॉब्लम इस पे सोल्व हो गई ना। जब गोल्ड को ये पता लगेगा
कि पहले तो कर रहे थे 30,000 इधर, 30,000 इधर, 25 इधर, तो 5 ही तो बढ़ाना है। जो तीसरी जगह 25 कर रहे थे उसको 30 कर दो, लगभग तीसरी लग हमारी सुपरस्टार वैसे निकल जाती जो पुरानी गोल्ड होंगे उनकी, तो होगी 30 लाख। तो जब आप जैसे 30 करेंगे आपको फायदे क्या क्या होंगे सुनो, एक तो आपका 3% लेवल बढ़ गया, 2% आपका कार्ड फंड एड हो गया, कितना हो गया 5%, और आधा परसेंट मीटिंग फंड में आप इंटर कर रहे हैं 5.5%। क्या करने से एक्स्ट्रा 5,000 के लिए करने से, तो ये किसके लिए प्लान है एक्चुअली, रूबी का प्लान फायदा कौन लेगा, गोल्ड लेगा, और सिल्वर को भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं बहुत जल्दी, अच्छा रूबी बन गया और ये सारे फंड लेने लग गया तो 40,000 का चेक बनेगा। यस, तो ये सिल्वर के लिए मोटिवेशन नहीं है कि मैं 1 लाख तो हुई भी है फटाफट 2 लाख और निकालू और जल्दी जल्दी मैं रूबी बनू और मैं 40,000-50,000 रुपए कमाऊ। तो हमारे जितने भी छोटे लेवल है, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कई लोग पूछते हैं सर कितने स्टार्ट करें, मैं आज आपको इस प्लान की बड़ी कैलकुलेशन बताता हूँ। आप किसी की ज्वाइनिंग करते हैं या काम करवाते हो उसको भी बताओ कि आप 3 आईडी लगा के स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में आप 3 आईडी से स्टार्ट करो। वैसे जय हो मूवी में सलमान खान ने यही बोला है, टीम को हेल्प करने की बजाय टीम को हेल्प करनी है, तो आपको भी 3 लोगों की मदद करनी है, उनको रोजगार देना और उनकी 3 की आईडी लगानी और उन 3 को भी 3 के लिए बोलना है। तो वो जो 3 लोग हैं उस पर आपको फोकस करके और उनको तीनों को क्वालिफाइड बना देना सुपरस्टार। अब कैलकुलेशन क्या कहती है, आपको क्या बनना है रूबी, तो आपको 3 लाख को 30,000 बीवी का टारगेट है ना सुपरस्टार से। अगर मैं 30 लोगों को 1,000 बीवी का टारगेट दे देता हूं, 1 लाख में आपके कम से कम किसी के 100 लोग होंगे, किसी के 200 लोग भी होंगे, किसी के 1,000 लोग भी होंगे 1 लाख में, तो क्या मैं 1,000 बीवी वाले 30 लोग नहीं ढूंढ सकता। आप 1 लाख का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, 1 लाख का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, उसमें उसी 1 लाख के लोग हों और उसमें से स्क्रीनशॉट कम से कम टारगेट रखोगे आपको 30 का लेना ही लेना है। फोन करके भी बोल सकते हो, कोई स्पॉट लिया तो बोलो 1,000 बीवी करके बात करना मेरे से, और जो 1,000 बीवी नहीं कर रहा उसको स्पॉट करने का कोई फायदा नहीं, उसको पहले आपको प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है। ये बिजनेस प्लान, ये मीटिंग्स, ये लेवल अचीवमेंट बाद का खेल है, पहले क्या करना है 1,000 बीवी करना है। तो जब आप उसके दिमाग में 1,000 बीवी डाल देंगे तो ये 30 की बजाय 100 लोगों का टारगेट लो, 30 तो करेंगे तो आपके 30,000 बीवी फिक्स हो गए। अच्छा, 1 महीना अगर आपकी गलती से 30,000 बीवी आ गए तो ये प्रोडक्ट वो है जो वो रिपीट करेगा अगले महीने फिर से साबुन, अगले महीने फिर से वही सारी सेम चीजें लेगा, तो आप 1 लाख से फ्री हो गए और ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि आज वो इस मंथ में 30 यूजर है, अगले महीने में वो 40 यूजर हो जाएंगे, अगले महीने में हो सकता है कि वो आपके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 यूजर हो जाए और आपका अभी भी 1 लाख को क्रॉस कर जाए। तो 30 × 3 30 इधर कितने यूजर बनाए, अगर हम 90 लोगों को 1,000 बीवी का यूजर बनाते हैं तो आपका रूटी लेवल हो जाएगा और वो मेंटेन होने लग जाएगा और आप 40-50,000 रुपए की इनकम पे पहुंच जाएंगे। कितना आसान, हमने इसको फालतू में टफ बनाया हुआ है, हमें माल बेचना नहीं, हमें कोई कैंप ये वो सब कुछ भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, यूजर बनाने का टारगेट है। काउंसलिंग कर सकते हो आप, होम मीटिंग कर सकते हो, जो यूजर नहीं बनता उसके मान लो आपके गांव में आप एक ही लेग में 30 के घर में जाकर के एसोसिएट के घर में जाकर के होम मीटिंग कर दो और वही प्रोडक्ट आप पहले लिस्ट बना के ले जाओ घर में, एक पूरी बास्केट बना के ले जाओ, पूरी 1,000 बीवी का एक पूरा पैकेट बना के लेके चले जाओ और उसको देके आओ, उसको जबरदस्ती देके आओ, क्योंकि कुछ काम जबरदस्ती भी करने पड़ते हैं, एसोसिएट है ना वो, और एमसीएमसी भी बनना चाहता है ना तो उसको धक्के से भी आप दे सकते हो, लेना पड़ेगा अगर काम करना चाहते हो, नहीं तो एमसी छोड़ो और भाग जाओ यहां से, दूसरी काम नहीं करो, तो कहीं पर अधिकार से भी बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ता कुछ लोगों को, एक बार वो आपके जबरदस्ती करने से यूज कर गया तो बाकी काम को रखा है फिर अपने आप लेता रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये रूबी लेवल आप ब्रेक करा सकते हैं। अब हम चलते हैं उसके बाद हमारा कौन सा लेवल है, अब बात करते हैं डायमंड। 47% आपका लेवल हो गया, आपको सिर्फ 4 सुपरस्टार बनाने हैं, तो जितने भी ऑलरेडी रूबी हैं वो सोच लो ऑलरेडी डायमंड है। यस, करना क्या है अप्रैल मंथ में 4 से 30,000 भी निकालना है और 3 महीना मेंटेन करना है, नहीं करोगे तो आपको 47% तो आ जाएगा लेकिन 3 महीना कर लोगे कंटिन्यू तो आपको लीडरशिप बोनस, इसमें लीडरशिप बोनस 12% चला जाता है, जितनी लैग उतनी डेप्थ, 4 लैग हुई आप डायमंड बने तो आपको 4 जनरेशन का लीडरशिप बोनस आएगा, 5, 3, 2, 2, 12% 5, 3, 2, 2 फंड है 8.5%, ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड और मीटिंग फंड 0.5%। अब यहाँ पर ये देखना है ये जो डायमंड का मीटिंग फंड 0.5% है ये रूबी को नहीं मिलेगा, ये चेयरमैन को भी नहीं मिलेगा,
ओनली डायमंड, रूबी को रूबी वाला मेटिंग फंड मिलेगा, अमाउंट सेम है लेकिन लोग कम हो जाएंगे क्योंकि डायमंड थोड़े हैं, रूबी ज्यादा है, तो जो डायमंड बन गया तो डायमंड का मीटिंग फंड लेगा, वो रूबी को जो मीटिंग फंड मिलता है उससे ज्यादा होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि उसका बिजनेस ज्यादा है और वो मीटिंग भी ज्यादा करेगा, उसका क्राइटेरिया भी कुछ ज्यादा रहेगा, अगर वो चार कर रहा है तो उसको कंपनी हो सकता है 6 या 8 मीटिंग दे, तो डायमंड लेवल पे आपको ये 8.5% आपको फंड मिलेंगे, लीडरशिप बोनस 12% होगा, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ अगर आप डायमंड भी मेंटेन करने लग गए ना तो आप लखपति क्लब में आ सकते हैं, 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे आप डायमंड। कितने लोग चाहिए? 4 साइड व्हील की जरूरत नहीं है, उसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि 3 लाख का लीडरशिप बोनस आपको मिल जाएगा, चौथी वीक कर जो होगी मिनिमम बीवी वाली वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप चाहें चारों का लेना तो आप इन चारों को छोड़ के 25,000 पीजीबीवी कर सकते हैं अगर आपका ऑटो मोड में हो रहा है तो, क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली हम जब 4 लाख चला रहे होते हैं तो हम चेयरमैन की कैरी कर रहे होते हैं 5वें लैग की, तो 5वें लैग में हमारा 15-20,000 बीवी आ गया तो हम 4-5,000 और करके उसे कर लेते हैं, क्योंकि 1 लाख हमारी एक्स्ट्रा वैसी रहती है क्योंकि हम अगले लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऑटो मोड में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले अभी स्पॉट में क्या है कि आपकी 4 लाख में नेचुरल मतलब आप सो रहे हैं घर में, क्लोजिंग पर आपको टेंशन नहीं है, अगर आपका 3 लाख पूरी होगी कंप्लीट तो आपको रूबी फंड तक की सारी रॉयल्टी दे देगी कंपनी, लीडरशिप बोनस रॉयल्टी, और गलती से 4 हो गई तो आपको डायमंड तक की सारी रॉयल्टी आ जाएगी, सिर्फ खाली सिल्वर गोल्ड पे आपको पीजीबीवी करना मैंडेटरी है, तो कम से कम आप 3 का पहले टारगेट रखो भाई, आप सोच लो कि मुझे 3 को किसी भी हाल में मेंटेन रखनी रखनी है, तो आपका चेक भी अच्छा बनेगा और आपको आप निश्चिंत रहेंगे। उसके बाद चलते हैं चेयरमैन जो हमारा मेन लेवल है, तो कितने लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं? बन गए हैं? नहीं, कुछ लोग नहीं भी चाहते, देखो कितने लोग खड़े हैं, क्योंकि नए लोग होंगे या इनको जबरदस्ती बुलाया होगा, इनको पता नहीं होगा चेयरमैन बनने का फायदा क्या है, देखो चेयरमैन बनने का फायदा तो मुझे पता नहीं, नुकसान पता है, पहला नुकसान ये होगा कि आपको आपकी बाइक बेचनी पड़ेगी क्योंकि कार वाले आएंगे, और आपको अपना मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप बड़ी बड़ी सिटी में जाना स्टार्ट कर देंगे, आपकी लाइफ आपको अपने पुराने कपड़े छोड़ के अच्छे नए कोट पैंट सूट बूट टाई ये सब पहनना पड़ेगा, तो थोड़ा बदलाव तो आएगा, ये तो तकलीफ करनी पड़ेगी, और ये वो लेवल है जहां पर आप महीने की 2 लाख रुपए की इनकम आराम से कमा सकते हैं, खास करके ये जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग मंथली, पहले चेयरमैन जो बेचारा 8 टीम में भागता था 3 महीने तक, बाद में 8 में से चलती 3 हुई थी, तो बाकी वो इन्वेस्टमेंट उसकी फ्री फंड की होती थी, माल डंप हो जाता था, अब उसको सिंपल टारगेट मिल गया कि खाली 5 लाख को आपको क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना है, तो जितने भी रूबी है हमारे 4 लाख चला ही रहे हैं और 20,000 भी कर ही रहे हैं, उसको 20 को 30 कर देना है, डायरेक्टर चार तो चला ही रहे हैं, 5वीं को भी आप 30,000 भी में करके और टोटल 5 लाख में 30,000 भी मेंटेन करो तो आप डायरेक्ट चेयरमैन है, तो चेयरमैन बनने के लिए आपको 5 लाख में 30,000 भी चाहिए, 3 महीने मेंटेन करना, साइड बीवी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको 13% लीडरशिप बोनस है, 5वीं जनरेशन का भी आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा, टोटल 13, फर्स्ट होगा 10.5% होगा ट्रैवलिंग बाइक कार फंड हाउस फंड चेयरमैन फंड, और यहाँ पर भी आपको मीटिंग फंड मिलेगा, और ये मीटिंग फंड सिर्फ चेयरमैन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी इनडायरेक्ट मैं बताता हूँ, ये भी एक अच्छी अमाउंट होगी क्योंकि 5 लाख मेंटेन करने पर ही ये मीटिंग फंड चेयरमैन फंड मिलेगा, तो कई लोगों को गलत फहमी है, कई लोग कहते हैं सर चेयरमैन तो ऑलरेडी 500 है, 500 जरूर है मेंटेन के लिए कर रहे हैं, उसमें से कोई 1 चला रहा है, कोई 2 चला रहा है, कोई 3 चला रहा है, तो उसमें से वो भी 3 लाख का ही रूबी फंड लेने वाले हैं, 5 एक्चुअली जो करेगा ना उसी को तो चेयरमैन के फंड और चेयरमैन का ये सारा मीटिंग फंड मिलेगा, तो ये भी अच्छी अमाउंट बनने वाली है, तो जितने भी हमारे ऑलरेडी चेयरमैन हैं उसको अप्रैल मंथ में 5 लाख को टारगेट लेके चलना ही करना है, क्योंकि मीटिंग फंड हाथ से छूटेगा फर्स्ट मंथ से आपको मिल जाएगा अगर आपने पहले से मेंटेन कर रखा है तो, और एक प्लस पॉइंट ये भी है जिनका चेयरमैन मेंटेन नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि 8 लाख में भी नहीं आ रहा था, किसी का 5 में आ रहा था, किसी का 6 में आ रहा था, अब आपको क्या करना है 5 को कंटिन्यू फोकस करके मेंटेन कर दो तो आपको मेंटेन भी हो गया और आपको फंड भी आएगा और मीटिंग फंड तो आपको 4 महीने से उसके साथ साथ ऐड हो जाएगा, अगर पहले से मेंटेन नहीं है तो पहले से मेंटेन है उसको मीटिंग फंड तुरंत आ जाएगा क्योंकि चेयरमैन फंड के साथ ही मीटिंग फंड ऐड हो रहा है, तो 5 लोग हैं और 3 महीने के बाद भी आपको 5 ही लग चुका है क्योंकि अभी पहले कई लोग